हमारे पीछे थे, हमारे पीछे पुलिस लगी है, पूरी पुलिस और आर्मी हमारे पीछे लगी हुई है, हमने ऐसा क्या कर दिया। वही लड़की है, जब वो ज्यादा बोलती है तो बारिश ही हो जाती है, घुमड़ घुमड़ घुम घुम चक धुम धुम चक धुम धुम। लड़कियों के पीछे करते क्या कर रहे पीछे करना, बस खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि पीछे पीछे आ गए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आपका हमारे चैनल में स्वागत है वाईजी ब्लॉग। आप सोच रहे होंगे कितना चिल्ला रही है, वो मैं इसलिए चिल्ला रही हूँ क्योंकि अगल बगल से गाड़ियाँ जा रही है तो आप लोगों को हमारी आवाज़ नहीं आएगी ना। ये था राजस्थानी स्टाइल में, राजस्थानी स्टाइल में। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करके बताना हमारे ब्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं। आज मैं और मैना जी जा रहे हैं, जहाँ तो हम बहुत दूर रहते लेकिन ये बारिश से हमारा ये बारिश जरा बेमान हो गई ना, तो इस वजह से हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, हम लोगों को रेनकोट निकालने पड़ गए अपने, तो हम लोग रेनकोट पहन के अभी बारिश में घूम रहे हैं। अभी हम पहुंचने वाले हैं भुजिया घाट, है ना मैना जी? थोड़ी दूर में है भुजिया घाट, और उसके बाद दो गाँव, फिर नैनीताल, और इलेक्ट्रिक स्कूटी की स्पीड हो चुकी है 14, तो 14 में तो पहुंच जाएंगे ना मैना जी? हाँ, अभी पहुँचने वाले हैं नैनीताल, मतलब 14 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहे हैं हम, तो मतलब नैनीताल हम 4-5 घंटे में तो पहुँच ही जाएंगे, है ना मैना जी? और अभी इससे पहले इतनी खतरनाक बारिश हो रही थी ना, ये देखो हम दोनों रेनकोट में आ गए। मैं तो मेरे को इग्लू लग रही थी ना मैना जी, चिकनी चल रही थी। और अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला ब्लॉग नहीं देखा ना तो जाके चेक करो, हमने बिल्कुल खुले में खाना बनाया है, बन ऑमलेट, इतनी बारिश हो रही थी खतरनाक वाली, उसमें हमने बन मक्खन, बन ऑमलेट, कॉफ़ी बनाई है। तो आप लोग को हमारे ब्लॉगों से बहुत अच्छे अच्छे ऐसे कुकिंग के आइडिया मिल सकते हैं कि अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं और आपको बहुत इन्जॉय करना है तो आप इन्जॉय कर सकते हैं और खा पी सकते हैं मस्त तरीके से और अपना पैसा भी बचा सकते हैं। और स्पीड होगी 7 की, 7 की स्पीड में जा रहे हैं आपके भाई लोग। तेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया है। मैंने बना ऑमलेट खा लिया था, इसलिए हो रहा है। मुझे उतरना पड़ गया है, मैंने जी अकेले जा रहा हूँ, मैं पैदल आ रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारी गाड़ी मुझे खींच नहीं पाई, पहले तो खींच लेती थी यार। नहीं, यहाँ पे इससे पिछली बार भी उतरी थी। अच्छा, उतरी थी मैं, याद नहीं होगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, मैना जी पीछे से आ रहे हैं मेरे। ओ, ये लड़का मेरा पीछा कर रहा है। लड़कियों के पीछे करते करते क्या कर रहे हैं, पीछा करना पड़ेगा। बस खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि पीछे पीछे आ गए। मैडम, अब मेरी स्थिति बिल्कुल चार्ज हो गई है। मैं चार्ज हूँ। मैना जी, तुमने कभी ऐसी लड़की छेड़ी थी? शायद तुम ही छेड़ रहे थे ना, क्या होता है वो? कहो, लड़कियाँ मुझे छेड़ती थी? मैं लड़कियों को नहीं छेड़ता था। क्या सही बात, सही बोल रहे हैं। और बारिश के बाद मौसम इतना प्यारा हो गया ना, बस बारिश दोबारा ना आए। मुझे क्या डर लगती है, कुछ पेड़ ना गिर जाए बस। नहीं गिरेगा, अब तो बारिश रुक गई पूरी, क्योंकि मैं बहुत डर गई हूँ। एक बार मैं कहीं शादी में गई थी तो मेरे सर के ऊपर टेंट गिर गया और मेरे सर यहाँ पर खूब फट गया था, तो उसकी वजह से मुझे बहुत टेंशन होती है। कभी मैं कहीं जाती हूँ ना बारिश में, मुझे बहुत डर लगती है। पहले तो मैं बारिश में ऐसे कहती थी वाओ मौसम का, अब मुझे होती है कहीं से छत कुछ गिर ना जाए। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ऊपर बारिश हो रही है यार? हाँ, हो रही है, वापस चलते हैं, पवेलियन हो जाए। हाँ, तो हम हो रहे हैं बैक टू पवेलियन। आपके विराट कोहली और रोहित शर्मा पवेलियन को वापस जा रहे हैं क्योंकि हमारा विकेट हो चुका है आउट, क्योंकि हमारा विकेट गिर चुका है क्योंकि बारिश बहुत तेज हो गई है। मतलब क्या बोलते हैं, दूसरी टीम ने बहुत ज़्यादा खतरनाक बारिश कर दी है, बॉलों की बरसात हो चुकी है, तो हम लोग हो चुके हैं आउट। अब हम जा रहे हैं वापस पवेलियन। मुझे लगा था कि बारिश रुक जाएगी पर रुकी नहीं, अफसोस। तो बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन यार ऐसे भीगने का मज़ा ही अलग है ना। वाओ, तो मेरा जी इस पे गाना बनता है। कौन सा? कोई लड़का है जो वो हंसता है, सावन आता है, घुमड़ घुमड़ घुम घुम। कोई लड़की है जब वो ज्यादा बोलती है तो बारिश ही हो जाती है, घुमड़ घुमड़ घुम घुम चक धुम धुम चक धुम धुम। जब हम यहाँ आए थे ना तो ये भैया बोल रहे थे अरे भुट्टे ले लो, भुट्टे भुट्टे, तो मैंने कहा कहाँ भुट्टे, उन्होंने कहा साइड में है। तो अब हम यहाँ पे आई गए, उन्होंने बारिश करवा दी, हमने रुक गए। देखिए हम में रुक रहे हैं, यहाँ हम खाएंगे गर्मा गर्म भुट्टे। गर्म हो गया क्या, आग सेकने थे? तो देखो तिम्मो भुट्टे सेक रही है यहाँ पे। तिम्मो सही बनने चाहिए, हाँ, जलने नहीं चाहिए। जला तो तुम ही खाओगे। नहीं, मैं तो खाऊंगा ही। मैं अपना वाला वहाँ बनाऊंगी, तुम्हारा बना रही हूँ। ये मैं भुट्टे मैना जी के लिए बना रही हूँ, जो मेरा वाला भुट्टा है वो तो ये बनाएंगे पर मैं मैना जी के लिए बनाऊंगी क्योंकि मेरे हाथ का भुट्टा पसंद है। इसको घुमाना भी पड़ता है। कितने रुपये का भुट्टा? 30 रुपये का भुट्टा भैया, 30 रुपये तुझे, 20 रुपये मेरे यार। सबसे पहले तो ये देने पड़ेंगे। क्या?
50 रुपये नहीं यार, मैं खुद बना रही हूँ, मुझे डिस्काउंट मिलना चाहिए। इसको छोड़ना, ये हिल क्यों रहा है? तूने हाथ लगा दिया इसमें, अब गिर जाएगा। और क्या होगा? ये देखो ये तिम्मू ने बड़ी मुश्किल में ऐसे अटका रखा है इनने, तिम्मू ने इस पे हाथ रख दिया, इसका सहारा ले रही है तू। उठने के लिए बुढ़िया हो गई है। तिम्मू उठ जा, उठ जा, इनने पूरा जला दिया देखो भुट्टा। हाँ जल गया है पूरा, जिनका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। हाँ हाँ आप आ रहे हो ना इसमें, तो ये बोलने मुझे मत लो। तो यहाँ पे देखो अगर आप आ रहे हो ना तो यहाँ पे आप भुट्टे खा सकते हो। ये तो पूरा धुआं मेरी तरफ आ रहा है यार, पोटी नहीं सुसु बोलते हैं। तो ये आ चुका है भुट्टा, बहुत ही टेस्टी जो मैंने भुना है। ये मेरे हाथों का सुंदर सुंदर भुट्टा, तो मैं खाऊं? मेरा जी भुट्टा खाते हुए कैसा लग रहा है मेरा जी? मस्त, देखा मेरे हाथ का हर चीज़ मस्त लगती है ना। तो ये बना रहे हैं भुट्टा, बहुत टेस्टी भुट्टा है। यहाँ पर भुजाघाट से पहले हम लोग रुके क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, तो यहीं से वापस जाना पड़ गया। ये राहुल की शॉप है, आप लोग यहाँ आइए ज़रूर भुट्टा खाने, बहुत टेस्टी भुट्टा हो रहा है ना मेरा जी। यहाँ पर और ये दुकानें भी हैं, यहाँ पर आपको चिकन चावल, राजमा चावल, फिश चावल, पनीर चावल सब मिल जाएगा। ये इसने बोला था ना ये बहुत अच्छा है, इसे खा ले, ये जलाओ ना मैं खा लेता, देखा कितना अच्छा हूँ मैं। ऐसा पति भगवान सबको दे पर ये ना दे और दे बाकी। देखो बारिश तो सबको बहुत अच्छी लगती है, हमें भी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन लोगों को परेशानी होती है। देखो वो बेचारे भीग रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि ये वो छोटा सा त्रिपाल है वो भी बहुत जगह से फटा हुआ है, तो मतलब वो लोग चाह नहीं रहेंगे कि बारिश आए। लोग आए हमारे यहाँ भुट्टा खाएं लेकिन बारिश ना हो, क्योंकि बारिश होगी तो वो भीग जाएंगे। हम भी ये जा रहे हैं बारिश ना हो। हाँ किसी के लिए मतलब एंजॉय है तो किसी के लिए परेशानी भी है बारिश। तो हम लोग वापस जा रहे हैं यहाँ से, बन चुका है कबूतर। हम दोनों बिल्कुल भूख के बिल्कुल तरह अतर हो रखे हैं, लेकिन बहुत मजा आया जो भी है। मैं तो चिल्ला चिल्ला के हट गया मेरे की, क्योंकि कट कट के बारिश हो रही थी ऊपर से, मतलब हम लोग बारिश में तो भीगते आ रहे थे, बहुत बचपन के याद आ गए। तो मैं कहने वाला था कटिलता मेरा जी, मेरी उम्र के नौजवानों दिल न लगाना ओ दीवानों, मैंने प्यार करके नींद खोई हर झूठ तो कहते नहीं है, कहते नहीं है लोग कोई चलता नहीं है इस दिल पे जोर कोई के बोलो ओ। गलत कहा दिया इसने, शांति हो छोड़ो ना यार, मतलब ऊपर इतनी बारिश हो रही है ना यार, अब यहाँ पे देखो बारिश का नामो निशान नहीं है, हम इससे ना और ऊपर जाते हैं। बट बारिश ने हमारा प्लान चौपट कर दिया और प्लान ने हमारा पोपट कर दिया। तो हम लोगों ने ब्लॉग में उसकी पहले शूट किया, उसके अंदर खूब कुकिंग वगैरह की। इस ब्लॉग में हमने भुट्टा उट्टा खाया राहुल की दुकान में, तो बहुत मज़ा आया हम लोगों को। कितने लोग आ रहे हैं ना मेरा जी बारिश में भी, हमारे पास तो रेनकोट भी है भैया, हथियार लेके आया हूँ। लेकिन ये देखो यहाँ पे बिल्कुल मतलब यहाँ बारिश हो चुकी है, और ऊपर कितनी खतरनाक हो रही है। वही तो बारिश, तभी कहते हैं बारिश का कोई भरोसा नहीं भैया, खासकर पहाड़ों में। हमारे पीछे था, हमारे पीछे पुलिस लग गई है, हम कहाँ भाग पाएंगे, हमारी स्पीड में 14 तक तेज नहीं भाग पा रही, हम कैसे भागेंगे। अभी तो मात्र 10 की स्पीड में पुलिस ने लगता है हमें बना हमने दिखा देवे देख लिया कार्टून लग गए इसको पैन फून के, अभी से हटाती हूँ। अरे बिना हटाए भी कार्टून ही लगेगी पागल, आज गए मेरा जी मेरे हाथ से। अरे मजाक आज मैं इनका कर देती हूँ काम तमाम, मजाक जो चाकू भी लेके आई हूँ बन काटने के लिए। जोर से बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी। यहाँ से ऊपर शीतला माता का मंदिर है, बहुत सुंदर ट्रैक है, हमने इसके ऊपर दो दो वीडियो बनाई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। आधा किलोमीटर का खूबसूरत ट्रैक है और बस हम यहाँ से निकलते हैं आगे को। ये देखो हमारे आगे जा रही है सोल्जर की गाड़ी, आर्मी मैन की गाड़ी। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। तो आर्मी का ट्रक हमारे पीछे आगे आ रहे हैं और हम आगे आगे जा रहे हैं। इससे पहले हमारे पीछे पुलिस पड़ गई थी, अब आर्मी पड़ गई है। ओह माय गॉड मेरा जी, भागो, पूरी पुलिस और आर्मी हमारे पीछे लगी हुई है। हमने ऐसा क्या कर दिया, हमने बन ऑमलेट तो बनाया बस। एक बन ऑमलेट बनाने का इतना बड़ा खतरनाक, नहीं तूने ना भुट्टा भूना। हाँ यार मैंने किसी और की दुकान में जाके भुट्टा भून लिया। यहाँ भी पुलिस खड़ी है मेरी, हमारे लिए खड़ी लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वाइडी व्लॉग्स आपके पास चुके हैं, बिल्कुल पीछे हमारे ग्वाला नदी है। बारिश रुक गई है तो हम बस इसको उतारने के लिए रुके हैं। हाँ मैं नहा लो जाऊं, ऐसे कूदूं क्या ऊपर से? वाह मजा आ जाएगा मेरा, मुझे कंटेंट मिल जाएगा।
मैं नहीं मिलूंगा फिर। जस्ट जोकिंग। बढ़िया ही कंटेंट वाली। ऐसे कंटेंट तो कितने मिल जाएंगे, पर ऐसा पति कहाँ मिलेगा। तो बहुत मजा आ रहा है हम लोग को, बीच के हम बिल्कुल ऐसे हो चुके हैं सर बदर, लेकिन क्या करें फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है ना। और हम लोग ग्वाला नदी के बिल्कुल पास में है, तो ये मैं उतार लेती हूँ अपना रेनकोट, क्योंकि रेनकोट बहुत देर से पहना हुआ है और बारिश रुक गई है पूरी। हाँ पूरा भीग चुका है, पर इसने बहुत साथ दिया हमारा। केदारनाथ भी लेके गए थे हम इसको, ये भी मैं तो केदारनाथ गया है और बहुत जगह गया है, क्योंकि हम लोग जहाँ भी जाते हैं रेनकोट ले आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं मौसम का, कब उत्तराखंड में बारिश हो जाए कुछ पता नहीं है। अरे बाप रे, मैंने जी मैं चढ़ जाएगी स्कूटी यहाँ से। चढ़ गई, वाह ये ट्रेन आ गई, ये देखो आवाज कैसे आ रही है, गड़ 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 गड़। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग वापस आ चुके हैं काठगोदाम पे, तो अब हम लोग भाई जी ब्लॉग आ चुके हैं घर। तो भाई जी ब्लॉग पे इतनी बार इसलिए बोलती ताकि आपको याद रहे, आपको सब्सक्राइब करना याद रहे और लाइक करना याद रहे। घुमाई भी हो गई, भुट्टा खवाई भी हो गई, बारिश में भीग भी गए, बारिश में भिगाई भी हो गई। तो आपके भाई के ब्लॉग अब घर पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, हम होंगे अपने खूबसूरत से घर पे। तो जिन लोगों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़